हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसपी फैंटेसी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले पेनकोट ECS T10 हंगरी वाले मैच में जो कोबरा क्रिकेट क्लब और ब्लाइंडर ब्लेजर्ड के बीच खेला जाएगा 2 घंटे और 50 मिनट बाद। जो ब्लाइंडर ब्लेजर्ड ने दोस्तों कल 2 मैच खेले थे तो दोनों में कैसा परफॉर्म रहा ABM देख लेते इसका। साथ ही दोस्तों आप हमारे वीडियो को अच्छी तरह से देख लेना क्योंकि जो COB की जो टीम है ये नहीं है दोस्तों, इसके जो मैं आपको स्टेट्स बताऊंगा आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि 7वें और 8वें दोनों में जो मैच होगा दोस्तों दोनों सेम टीम के बीच होगा तो आपको जो सेम स्टेट रहेगा वो अगले मैच में भी आपके लिए काम आएगा। तो आप हमारे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर आप नए हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको आने वाले जो सारे मैचेस है उसकी वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि आपको हमारे आने वाले वीडियो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही आपको मिलेंगे, सॉरी दोस्तों यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। तथा आपको जो सारी जो फाइनल टीमें होती है दोस्तों वो आपको हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों BLB की टीम ने कल 2 मैच खेले थे, दोनों में गंवा चुकी है। अपना खिलाड़ी कुछ बेहतरीन प्लेयर है दोस्तों जो अच्छा खासा परफॉर्म किया था कल दोनों मैचों में। जैसे कि बात करें दोस्तों जाहिद के बारे में, उमर जाहिद एक बेहतरीन प्लेयर है जिसने पहले मैच में 4 विकेट लिया और अच्छी खासी बैटिंग भी की थी नंबर 3 पर आकर। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं किया हो तो आप जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। कल इन्होंने अपना पहला मैच खेला था T10 का BLB ने और मैंने जो टीम दी थी वो बेहतरीन परफॉर्म किया दोस्तों। मैंने देखो सिर्फ वो जाहिद को लिया था, इनकी टीम कमज़ोर थी फिर भी मैंने वो जाहिद को अपनी टीम में प्रेफर किया था और कितना अच्छा इसने परफॉर्म किया था। सिर्फ मैंने ज़्यादा स्क्रीनशॉट नहीं डाले लेकिन दोस्तों एक अच्छा खासा विन हुआ। अगर आपने भी ट्राई किया होगा तो आपके भी अच्छा खासा विन हुआ होगा। तो अब अगर आप भी हमारी टीम से खेलना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि आपको फाइनल टीम वहीं पर मिलेगी। और अगर आप दोस्तों अगर श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच जो ODI मैच चल रहा है अगर वो आप खेलना चाहोगे तो मैं आपको उसकी टीम हमारे टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्ट पोस्ट कर दूंगा क्योंकि मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा। स्टेट्स मेरे पास अवेलेबल है तो मैं आपको फाइनल टीम वहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। अब हम बात करते हैं कोबरा क्रिकेट क्लब की, सॉरी दोस्तों पहले BLB की बात कर लेते हैं जिन्होंने किस प्लेयर्स ने कल कैसा परफॉर्म किया था। तो दोस्तों इनकी ओर से बॉलिंग में तो मोहम्मद उजैर जो बैट्समैन में दिया गया 2 ओवर बॉलिंग की विकेट नहीं मिला। राहुल गोयल है दोस्तों ऑलराउंडर में दिया गया, एक बेहतरीन प्लेयर है लेकिन अभी दोनों मैच में कुछ नहीं किया क्योंकि जो सामने वाली टीम थी वो स्ट्रॉन्ग टीम थी। उमर जाहिद ने बेहतरीन परफॉर्म किया, परम पोल को पहला मैच खेलना 1 ओवर बॉलिंग की विकेट नहीं मिला तो सेकंड मैच नहीं खेला। अमजद अजीज है दोस्तों इसने भी 1 ओवर बॉलिंग की 1 विकेट लिया, ये जो हालांकि बैट्समैन सेक्शन में दिया गया। तो दोस्तों T10 की यही खासियत है कि कभी कभी बैट्समैन बॉलर बॉलिंग कर जाता तो कभी कभी जो बॉलर में दिया हुआ होता है खिलाड़ी वो बैटिंग कर जाता। कमरान वाहिद ने 1 विकेट लिए। दोस्तों बैटिंग में बात करेंगे इनके ओवर से तो सिर्फ चौहान ने अच्छी बैटिंग की, जाहिद ने अच्छी की, इसके अलावा किसी प्लेयर्स ने कुछ खास बैटिंग नहीं की। अगर सेकंड मैच की बात करें हम इसी टीम की तो भी दोस्तों इनके ओवर से सिर्फ चौहान ने 25 किया, मोहम्मद उजियार ने 5 किए, गोयल ने 3 किए, तो किसी ने सिर्फ सिंगल डिजिट रन बनाए चौहान के अलावा। बॉलिंग में भी दोस्तों सिर्फ उजियार को 1 विकेट मिला और उमर जाहिद को 1 मिला। तो उमर जाहिद एक बेहतरीन प्लेयर है जिसने दोनों मैच में पहले में 4 और दूसरे में 1 विकेट लिया। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों कोबरा की टीम की, तो 7वां और 8वां मैच जो 4:30 और 6:30 बजे खेला जाएगा इनके बीच में, तो आप वीडियो को केयरफुली देखना आपके लिए अच्छा साबित होगा। अब न केवल स्मॉल लीग बल्कि ग्रैंड लीग में भी आप अच्छी रैंक हासिल करोगे। दोस्तों कोबरा की बात करें हम तो इनके ओर से जो डेंकल जो सोब्रीज है जिसने 40 मैच में 994 रन बनाए और 54 विकेट लिया, अपनी टीम का बेहतरीन प्लेयर है और आप इसको जरूर ट्राई करना। फिर आता दोस्तों अश्वनारायण ने दोस्तों 11 मैच में 269 रन किया और 7 विकेट लिया, तो ये भी अपनी टीम के लिए बेहतरीन प्लेयर है दोस्तों। अगर मैं COB और BLB की टीमों में बात करूँ अगर कौन सी टीम मजबूत है तो दोस्तों COB की टीम ही मजबूत है। अनुज कुमार ने दोस्तों 11 मैच में 261 किया, संजय कुमार ने 31 मैच में 20 विकेट लिए और 422 किए। फिर आता दोस्तों विष्णु वासुदेव जिसने 15 मैच में 14 विकेट लिया और 222 किया, तो ये भी अपनी टीम के लिए बेहतरीन प्लेयर है। फिर दोस्तों स्तिजिना कोटिया था जो स्तिज है दोस्तों ये भी अपनी टीम के लिए इंपॉर्टेंट बॉलिंग से साबित हो सकता, बैटिंग में भी हार्ड हिटिंग कर लेता दोस्तों, तो आपके लिए एक बेहतरीन प्लेयर है, आप इसको भी जरूर ट्राई करना। फिर दोस्तों लक्ष्मी नारायण है जिसने 10 मैच में 129 रन बनाए और बॉलिंग नहीं की, तो ये इतना खास है नहीं T10 में। रवि यादव ने दोस्तों 7 मैच में 81 रन बनाए, 2 विकेट लिए। फिर आता दोस्तों कैलाश चंद्र जिसने 9 मैच में 70 रन बनाए, श्रीनिवास मंदालिया था जिसने 13 मैच में 25 रन की पारी खेली और दीपक मल्लप्पा जिसने 4 मैच में 20 किया और 1 विकेट लिया। आशुतोष माथुर ने ज़्यादा कुछ खास नहीं किया दोस्तों। फिर आता दोस्तों अरुण वेंकटराजन जिसने 11 मैच में 8 विकेट लिए।
भवानी प्रसाद ने दोस्तों 9 मैच में 12 विकेट लिया, तो अच्युत सिंह ने 6 मैच में 13 विकेट लिया। दोस्तों बेहतरीन इंपॉर्टेंट प्लेयर है इनकी ओर से अच्युत सिंह, आप इसको जरूर ट्राई करना। फिर मुक्कल कुरन ने तो 3 मैच में 4 विकेट लिए। अब हम बात करते हैं ड्रीम टीम की। आप दोस्तों एक बार COB के जो कोबरा क्रिकेट क्लब की टीम है इसके स्टेट्स अच्छी तरह से देख लेना ताकि आपको टीम बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम चलते हैं ड्रीम टीम की। दोस्तों BLB की ओर से अश चौहान एक बेहतरीन प्लेयर है, 2 मैच में अच्छा परफॉर्म किया। अब हम लेंगे आप मुजफ्फर और गुप्ता से दूरी बनाए रख सकते हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इनको ना तो ग्रैंड लीग में ट्राई करें ना ही स्मॉल लीग में। अब हम बात करें अश्वत्थ नारायण की। दोस्तों एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, अपनी टीम के लिए ओपन करेगा और बैटिंग और बॉलिंग दोनों करेगा, तो एक आपके लिए बेहतरीन पिक है। जैसा कि मैंने आपको स्टेट्स बताया और सिर्फ परसेंटेज देख लो दोस्तों, सिर्फ अभी 7% है, तो ये आपके लिए एक बेहतरीन पिक साबित होगा। बैट्समैन में बात करें दोस्तों तो मैं अभी के लिए लूँगा अजीज़ को, जो सिर्फ बैटिंग बॉलिंग दोनों करेगा। मोहम्मद उजैर को लूँगा जो बैटिंग करेगा बॉलिंग करेगा दोस्तों, जिसने 1 विकेट भी लिया। और आपके पास इतनी कोई खास चॉइस है नहीं बैट्समैन में तो। और दोस्तों आप चाहो तो एक गुप्ता को ट्राई कर सकते हो, मैं ट्राई नहीं करूँगा दोस्तों। बगल जो सहगल है दोस्तों, सहगल अपना डेब्यू मैच करेगा, मैं लूँगा दोस्तों एक कुमार को जो एक बेहतरीन प्लेयर है और अच्छी खासी हार्ड हिटिंग कर सकता है। तो आप अभी इसका परसेंटेज भी बहुत कम है, तो आपके लिए ये मैच एक बेहतरीन साबित हो सकता है। तो आप हमारे सारे बताए गए स्टेट्स को ध्यानपूर्वक देखिए और अच्छी सी टीम बनाने की कोशिश करें। और अगर आप फाइनल टीम चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। दोस्तों आर वैसानी के इतना अच्छा खास रिकॉर्ड है नहीं, एम वसनैन मीर अच्छा है, अगर खिलाए तो इसको जरूर ट्राई करना। दोस्तों मैं लूँगा वासुदेव को, आर गोयल को, दोस्तों बैटिंग बॉलिंग दोनों करता है लेकिन अभी तक इतना कुछ खास नहीं किया, तो मैं इसको नहीं लूँगा। मैं लूँगा दोस्तों अश कुमार को जो एक बेहतरीन रिकॉर्ड रखता है, और इना कोटी जो अपनी टीम के लिए एक बेहतरीन ऑलराउंडर है जो कि बॉलिंग से अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। बॉलिंग में दोस्तों अच्युत सिंह एक बेहतरीन खिलाड़ी है, मैंने आपको स्टेट्स दिखाया, बहुत ही जोरदार बॉलिंग करता है, आप ले सकते हैं। मंडाली का मुझे रिकॉर्ड मिला नहीं, वो जाहिद को मैं ट्राई करूँगा। और दोस्तों ए वेंकटन राजन को ट्राई करना दोस्तों आप चाहो तो, और के वजीद जय सिंह और भवानी प्रसाद को आप ट्राई कर सकते हो। मैं दोस्तों अभी के लिए लूँगा डी सोए ब्रिज को जो दोस्तों ओपन करेगा और अच्छी खासी बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर सकता है अपनी टीम के लिए। तो अभी के लिए मेरी फाइनल टीम ये है। कैप्टन विसी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो आप जल्दी से जल्दी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।